की बहन बेटियों की इज्जत यहाँ पे नीलाम हो रही है, तो आप लोग घर में चूड़ियाँ पहन करके बैठे हो, अपने आप को मर्द बोलते हो। आज असली मर्द वो नहीं है जो घरों में बैठ करके सोशल मीडिया पे अपने व्यतंगे देता है, अरे गलत हो रहा है। असली मर्द वो है जो सड़कों पे उतर के गलत को गलत कहता है और सही को सही कहता है। ये भारत की जनता को समझने की जरूरत है कि इन पहलवानों के साथ आप हो या नहीं हो, देश के जवानों के साथ हो या नहीं हो, सत्यपाल मलिक के साथ हो या नहीं हो। आज देश के जवानों के साथ अगर खड़ा होना तो सत्यपाल मलिक का समर्थन करो, देश के पहलवानों के साथ खड़ा होना तो जंतर। एक और मोदी पर आरोप तो लग ही रहा है, लेकिन इधर बीजेपी के WFIA अध्यक्ष पर जिस तरीके से 7 पहलवानों ने मिलकर आरोप लगा दिए हैं, यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिए हैं, उनको लेकर यहाँ पे कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि महिला पहलवानों को बुलाया जाता है और ये और यौन उत्पीड़न का केस पूरी तरीके से वो लोग कर दिए, क्योंकि ये कहते हैं कि आपको अगर इसमें आना है तो मेरे साथ रात गुजरना होगा। उस पे कई तरह के आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से यह मामला कोर्ट पर पहुँच गया है उसको लेकर यहाँ पे देश में पूरी तरीके से मामला गड़बड़ा चुका है। इनको 3 महीने पहले ही बताया गया था कोर्ट से कि इनको 1 महीने के अंदर सजा होगी, लेकिन आज 3 महीने गुजर चुके हैं लेकिन इनको अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसको लेकर यहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर पर पूरी तरीके से मामला खड़ा कर दिया है ये लोग पहलवान, और जिस तरीके से तिलतिलाती धूप में ये लोग विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं उसको लेकर यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब तो नहीं रहने वाले हैं बृजभूषण शरण सिंह। उसके लेकर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं उसके लेकर बार बार यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह अब जेल में जाए, उसके लेकर बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े खुलासे किया जा रहा है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने यौन उत्पीड़न का मामला एक ही नहीं, 7 ही नहीं, कई यहाँ पे महिला पहलवानों के साथ ये लोग कर चुके हैं, जिसको लेकर ये कहते हैं कि बाहर कुछ और बोलते हैं और भीतर कुछ और बोलते हैं। तो मोदी के साथ इनको चपेटा जा रहा है और जिस तरीके से बीजेपी सरकार को भी लताड़ा जा रहा है देश में उसको लेकर तो अलग ही मामला चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे कई कई नेताओं के साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह रहते हैं और उनका सभी के साथ कॉन्टैक्ट है और ये महिला पर अत्याचार करते हैं, तो इसको लेकर पूरी मामला अभी गड़बड़ाया हुआ है। तो देखने वाले हैं कि कब तक ये गिरफ्तार होते हैं या नहीं। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब